एक और नए वीडियो में आप लोग का सभी लोग का स्वागत है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोग के मैसेज का जवाब मिलेगा। आप लोग ने मैसेज किया जिसका फायदा हर एक किसी भर्ती देखने वाले प्लेयर को होने वाली है या स्पोर्ट्स प्लेयरों को भी इसका फायदा होगा, जो कि सबने क्वेश्चन पूछा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैं आज लेके आया हूं। बहुत दिन बाद हम लोग इस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। अब लगातार मुलाकात होगी, आपकी पढ़ाइयां भी मैं लगातार स्टार्ट करा दूंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, वंदना पाटिल जी से उठाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले जो ने वंदना पाटिल जी बहुत एक अच्छी लेडीज हैं या जो भी हैं, बहुत उन्होंने अच्छा एक सुबह की जो शुरुआत हम लोग करते हैं उन्हीं के से उन्होंने क्या किया है। भगवान शंकर जी का एक दोहा है और कह सकते हैं आप स्तुति है उनकी, एक स्तुति वंदना जो है उसके साथ उन्होंने मेरे को बड़ा प्रभावित किया और मेरे को अच्छा लगा कि कम से कम इतना इस चैनल को आप लोगों ने बढ़ावा दिया, इतना प्रेम दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ समर्पित किया कि जितने हमारे पास हैं कम से कम सभी को मैं एक अच्छा जो सोचता हूं कि नहीं मैं उनके मन की बातों तक छू जाऊं और उनके जो क्वेश्चंस हैं उसको सही जवाब दे सकूं और भर्ती प्रक्रिया सब देख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, मैं भी आपका बहुत आभार हूं कि आपने इतना अच्छा वंदना लिख के मेरे लिए भेजा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन उठाते हैं गोविंद पवार जी का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है जिन गेमों की मान्यता है वे गेम बताइए सर। तो गोविंद पवार जी आपको हम बता दें जो भारतीय खेल प्राधिकरण इनका पूछना है कि कौन सी ऐसी गेम है जिनसे हम खेलने से डायरेक्ट स्पोर्ट कोटे से भर्ती देख सकते हैं, स्पोर्ट्स कोटे में छूट मिल जाए, डायरेक्ट हम नेशनल खेलें वहां से डायरेक्ट हमको लिया जा सके। तो गोविंद जी और सभी खिलाड़ियों, आप सभी लोगों के लिए और जो मेरे उभरते हुए भाई है, जो उभरते हुए खिलाड़ी है, सभी के लिए आपको बता दूं जो भारतीय खेल प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त खेल हैं या राष्ट्रीय खेलों में जिन खेलों को प्रवेश मिला है, सम्मिलित किया गया है और उसके साथ साथ उसको भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है, वही खेल आपका ओवरऑल इंडिया, चाहे इंडियन आर्मी हो, रेलवे हो, पुलिस विभाग हो, बैंक हो, नेवी हो, मर्चेंट नेवी हो, कहीं भी अगर स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती होती है तो उसी का सर्टिफिकेट मान्य किया जाता है। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है कि यूथ का भी सर्टिफिकेट को मान्य करता है, लेकिन आप कहीं ना जाएं, भारतीय खेल प्राधिकरण से चिपक के रहें। इसके अलावा आपकी सोच होगी कि सर ये सारे खेल क्यों डालते रहते हैं, तो मैं केवल आप लोग के लिए डालता हूं, आपके फायदे के लिए कि आप इन खेलों से जुड़े रहें और ताकि आपकी भविष्य अच्छा हो सके। आप खेलों के माध्यम से भी जाके कहीं बीपीएड करिए, कहीं एनआईएस करिए और करके अपने जीवन को अग्रसर करिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन उठा लिया जाए, एक बबनिया राकेश जी का क्वेश्चन है। बबनिया राकेश जी के लिए एक जो क्वेश्चन था उन्होंने क्या था, जिन बबनिया राकेश जी का क्वेश्चन है एथलेटिक्स से क्या है, मतलब इनका पूछना है कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती हो रही थी, जो इंडियन आर्मी में भर्तियां चल रही हैं, क्या उसमें एथलीट के कई पोजिशन है, कोई भर्ती प्रक्रिया ऐसी है जो एथलीट में उनको जगह मिल सके। तो जी हाँ, आपको कल जो वीडियो मिलेगा भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत जो मैं खेल वीडियो डाल लूंगा वो आपको मिल जाएगा, जो कि दिल्ली में स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत भर्ती होने जा रही है, जहां पे एथलीट की भी भर्तियां हैं और आपको प्रॉपर रूप से वो भी मिल जाएगी। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, सोमवीर यादव जी ने बहुत अच्छा मेरे को लगा। सोमवीर यादव जी, मैं जो भी वीडियो डालता हूं उनको अगर फायदे वाली है तो उस पर नाइस जरूर लिख के भेजते, तो इससे ये मिलता है कि नहीं मैं आप लोग के बातों को समझ पा रहा हूं, आपकी जो परेशानियां उनको दूर कर पा रहा हूं, जो जिस प्रकार की आपको भर्ती चाहिए, जिस प्रकार की परेशानियों को आपको दूर होना है, वो सारी क्वेश्चन आप हमसे करते हैं और हम आपको क्लियर उसका जवाब दे पाते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है जब आप लोग का नाइस लिख के आता है तो लगता है अरे यार आज मैंने कुछ कर दिया है आप लोग के लिए, कुछ अच्छा किया है, मेरे को बहुत खुशी होती है दोस्त अंदर से, ये मैं अपनी प्रतिभा बता रहा हूं। इसके अलावा जो प्रतीक जी है उन्होंने क्या किया है, प्रतीक बहुत अच्छे एक स्पोर्ट्स प्लेयर निकल सकते थे शुरुआत में, अभी हैं फिलहाल, अब बहुत अच्छे प्लेयर हो रहे हैं,
उन्होंने स्कूल से पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद अच्छी बॉडी होने के बावजूद भी वो स्पोर्ट्स में कभी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। प्रदीप जी का जो घर पड़ता है वो कानपुर में पड़ता है, उनको फिर हम लोग ने एक दूसरे से संपर्क किया। उसके बाद प्रदीप जी जाके आज वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा वेट उठा रहे हैं, और भविष्य में उम्मीद है, मैं भगवान से भी दुआ करता हूँ कि उनको एक अच्छी नौकरी मिले और नौकरी के साथ साथ उनको खेल में भी, स्पोर्ट्स भावना में भी बहुत ऊंची तरक्की मिल सके। तो जो भी खिलाड़ी, अगर आप अपने घर में भी किसी बच्चे को किसी गेम में डालना चाहते हैं, उससे पहले आप हमसे पता कर लें, हमसे क्वेश्चन कर सकें कि सर गेम कौन सा बेस्ट है, बच्चे की हाइट बता दें, उसकी किधर रुझान अधिक है वो बता दें, हम सारी प्रक्रियाओं के हिसाब से आप लोग को क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। अगला, लव ओएड, जो मेरे भाई हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लव ओएड एक अपने भाई हैं जो कि अपने, हमको लग रहा है मोबाइल का नाम डाले थे, लव ओएड वही आ गया है। गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त खेल कौन से हैं, इनका भी वही सेम क्वेश्चन दोस्त, कि जो गवर्नमेंट है उससे मान्यता प्राप्त खेल कौन से है। तो भाई जो भारतीय खेल प्राधिकरण से जो खेल की मान्यता है वही आपको मान्य है, उसके अलावा कोई मान्य नहीं है। मंद्रूप सिंह जी एक क्वेश्चन कुछ पूछे हैं, और मंद्रूप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देखता हूँ कि मंद्रूप जी बहुत सारे हमसे क्वेश्चन भी करते हैं, बताते भी हैं। और ये मंद्रूप जी अभी ये खेलने जाने वाले थे टूर्नामेंट, मंद्रूप जी से मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, उस टूर्नामेंट में केवल मैं आप लोग को इसलिए नहीं ले गया हूँ क्योंकि उसकी फीस बड़ी महंगी थी, फीस अधिक चार्ज होने के कारण मैंने कहा कि एक नॉर्मल जो कि अभी कमाना भी नहीं शुरू किया है वो इतना फीस कहाँ से पेट कर पाएगा। और यदि अपने जो चैनल इसका बढ़ावा अधिक होता और इस चैनल के माध्यम से पैसे भी आ रहे होते, तो मैं ये पैसे भी लगा के आप लोगों को जो गरीब परिवार से बच्चे हैं उनको खिलाने ले जा सकता था। लेकिन अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि चैनल आप लोग के कारण ग्रोथ कर जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्त ये थे आज तक के क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।